बसमीम डियर फोर्थ ईयर आज हमारा स्काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन में से आपके चैप्टर नंबर सेवनटीन में से जो टॉपिक है वो है पियरसन स्काई स्केयर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फ़िट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेज नाइन्टी फोर पर आपको ये टॉपिक गिवन है पियरसन स्काई स्केयर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फ़िट ठीक है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है ये काइस केयर हमें प्रोवाइड करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी ऑब्जर्व डाटा सेट पे किसी प्रॉबल्टी डिस्ट्रीब्यूशन को उस पर फिट करते हैं यानी उससे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज उसकी फाइंड आउट करते हैं थ्रू अ थ्रेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं या प्रोबेबिलिटीज हैं वो किस कदर बेहतर हैं ठीक है कितना हमें बेहतरीन एस्टीमेट प्रोवाइड करती हैं तो Pearson's का इसके टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट जो है आर के स्टेटिस्टिक कैन ऑल्सो भी अप्लाइड इवन व्हेन द सेल प्रोबेबिलिटीज आर नॉट नोन एंड दे डिपेंड अपॉन द अन नोन Parameters of a specified distribution, such as binomial distribution, the Python distribution, the normal distribution, etc. This test is based on the property that the chi scale test is applicable when the cell probabilities depend upon unknown parameters, provided that the unknown parameters are replaced with their estimates, and provided that one degree of freedom is deduced from each parameter estimated.

वेन द सेल्फ प्रॉबलिटीज़ डिपेंड अपॉन अननोन पैरामीटर्स अन नोन पैराीटर्स गिवन होंगे आपके पास यह हो सकता गिवन भी हों ठीक है पैरामीटर्स प्रोवाइडेड डेट द अननोन पैरामीटर्स हाँ इसमें हमें ये साथ में प्रोवाइड किया गया होता है कि जो अनन पैरामीटर्स हैं हम उनको सैम्पल के एस्टीमेट से रिप्लेस कर लेंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है एक सिंगल पैराीटर है म्यू जो कि उसका मीन होता है अगर वो हमें नहीं गिवन तो हमें जो डाटा गिवन होगा सैम्पल से हम उसका मीन फाइंड आउट करके उसको इक्वेट कर लेंगे एज एस एन एस्टीमेट यूज़ कर लेंगे हम पाइसॉन uh, डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर के तौर पे इसी तरह से बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल नॉर्मल वगैरह में होगा और उसमें जो मज़ीद दूसरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो इसकी डिग्रीज़ ऑफ़ फ्रीडम होती हैं इस टेस्ट के लिए स्पेशली का इसके टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट के लिए डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम हमारे पास किसके इक्वल होंगी के माइनस वन माइनस एम इसमें जो के है ये नंबर ऑफ़ क्लासेस या कैटेगरीज़ होंगी आपको जितनी भी क्लासेस गिवन होंगी या जितनी भी कैटेगरीज़ गिवन होंगी वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ताला और क्लियर हो जाएगा ठीक है वो माइनस वन यहाँ तक तो होगा ही और माइनस एम होगा जितने भी हम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को एस्टीमेट कर रहे होंगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई और उसका म्यू गिवन नहीं है अगर उसका म्यू गिवन नहीं है तो उसका क्योंकि एक ही पैरामीटर है और हम उसको एस्टिमेट करेंगे सैम्पल से तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड कितने हो जाएंगे वन तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी के माइनस वन माइनस वन अगर हमारे पास अगर उसी क्वेश्चन में हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर म्यू गिवन हुआ ठीक है तो फिर एम जो है वो क्या आएगा ज़ीरो क्योंकि हमने कोई भी पैरामीटर एस्टिमेट नहीं किया होगा खुद से इसी तरह आप बाइनोमियल को देख सकते हैं बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स हैं एन एंड पी ठीक है तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को या किसी को भी नहीं जिस तरह से भी ए, हम लोग उनको एस्टीमेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एम में हमारे पास नंबर आएगा अगर हम दोनों को एस्टीमेट करेंगे तो एम टू आएगा अगर एक को एस्टीमेट करेंगे तो एम वन आएगा और अगर किसी को भी एस्टीमेट ना करना हुआ दोनों हमें गिवन हुए तो फिर एम जो है वो जीरो हो जाएगा तो ये एक ज़रूरी बात है काइसकेर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए जहन में रखें के नंबर ऑफ़ क्लासेस या कैटेगरीज़ को शो करता है और के माइनस वन माइनस एम के इक्वल होती है इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी जब हमने टेबुलेटेड वैल्यू देखनी होगी का स्केयर की क्रिटिकल रीजन में तो वो के माइनस वन माइनस एम में जाके हम लोग देखा करेंगे ठीक है फिर जो है नेक्स्ट uh, जो है द सेल्फ प्रोबेबिलिटीज डिपेंड मजीद जो है ये है कि अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज़ अ टेस्ट इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन वेदर रिजल्ट ऑफ अ सैम्पल कंफर्म टू अपोथाइस डिस्ट्रीब्यूशन विच मे बी यूनिफॉर्म बाइनोमियल पाइसो नॉर्मल और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है वो एक हाइपोथेसिस टेस्ट है जिसमें हम ये हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि जो आपके पास सैम्पल डाटा के रिजल्ट्स हैं वो किसी हाइपोथाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन को कंफर्म करते हैं या उसको कंफर्म नहीं करते उसके साथ एग्री करते हैं या नहीं करते यानी कि डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है या बाइनोमियल है या पाइसोन है ठीक है या यूनिफॉर्म है या कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर प्रॉब्लम्स वेयर वी डी नॉट नो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंडम वेरिएबल इसमें हम ये नहीं जानते इस टेस्ट में कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल का आ, उस, उसका प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ठीक है हम उसके ऊपर एक आ, सी एक्स आई एंड वी विश टू टेस्ट द हाइफोथिस डेट एक्स फॉलोज अ प पर्टुलर डिस्ट्रीब्यूशन और हम ये विश हम, हम हम ये चाहते हैं कि इसके उसके ऊपर टेस्टिंग करके देखें कि इस जो है रेंडम वेरिएबल के प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन फिट आता है या पाइसो पाइसोन फिट आता है नॉर्मल फिट आता है यानी अदर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है In the test procedure, the range of all possible values of the random variable assumed to follow a particular distribution is divided into k mutually exclusive classes, and the probabilities Pi's are calculated for each of the classes using the estimates of the parameter. ऑफ द प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड इन एज नॉट अब जो भी पैरामीटर हमने जो भी हमने उस हाइपोथिस में कंसिडर किया होगा प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के जो सैम्पल डाटा है वो कन्फर्म करता है लेट से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को तो फिर हमने जो प्रॉबीबलिटीज़ हैं हर कैटेगरी के लिए वो कंप्यूट करनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बैनोमिल के दो पैरामीटर्स हैं एन एंड पी अगर हमने हाइपोथाइज़ किया है, है एज नॉट में कि जो सैम्पल डाटा है वो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है उसको कंफर्म कर रहा है तो फिर हमने जो प्रोबेबिलिटीज फ़ाइंड आउट करनी है पी आइज़ वो भी हमने किससे फाइंड आउट करनी है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उसके फार्मूले से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया मैथड के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे ठीक है उसके बाद ये है कि ये आपके पास बेसिक फार्मूला जैसे हम लोग पहले भी कर रहे हैं अपने काइस्यर जो अपना टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें बेसिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि काइस्र जो है वो यूजली क्या करता है कंपेयर करता है ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को ठीक है तो काइस्कर का फार्मूला क्या होगा आई इक्वल्स टू वन टू के वन टू के मीन्स जितनी भी कैटेगरीज हैं वन से लेकर के तक कैटेगरीज होंगी नंबर ऑफ कैटेगरीज अगर फ़ाइव कैटेगरीज हैं तो के फ़ाइव होगा फ़ोर कैटेगरीज़ हैं तो के फोर होगा ठीक है और इसी तरह से जितनी भी कैटेगरीज हुई और अंदर जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है वो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें इक्वल है अंदर वाला फार्मूला सम ऑफ आई फ्रॉम वन टू के ओ आई माइनस ई आई होल्स केयर ओवर ई आई जो कि हम पहले भी अपने काइस के टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ रहे हैं ओ आई जो है वो आपको ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज जो आपको गिवन होंगी सैम्पल डाटा में वो होंगी ठीक है यानी क्वेश्चन में जो टेबल आपको गिवन होगा उसमें जो फ्रिक्वेंसीज़ गिवन होंगी वो आपकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज़ होंगी जबकि ई आई जो हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ हैं और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ हम कैसे कम्प्यूट करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके थ्रू हम प्रॉबलिटीज़ पी आई ठीक है ये देखिए पी आई कंप्यूट करेंगे और पी आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ पी आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एन से जो कि हमारे पास ओ आई सम आइज़ का सम uh, होगा ठीक है ना? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ का सम जो होगा उसको हम कहेंगे कैपिटल एन और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? अपनी प्रोबेबिलिटीज़ uh, uh, को जिससे हमारे पास क्या आ जाएंगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ ई आई आ जाएंगी ठीक है सो उसके बाद फिर वही चीज़ है ओ आई माइनस ई आई फिर ओ आई माइनस ई आई होल स्केयर डिवाइडेड बाई ई आई फिर इस कॉलम को हम सम करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा काई स्केयर के इक्वल होगा So, which when H0 is true has an approximate chi square distribution with degrees of freedom equals to k minus 1 minus number of parameters estimated by sample statistics. The symbols OI and EI represent the observed and expected frequencies of um, uh, NI re uh, respectively. इसमें एक और बात जो कि आपने याद रखनी है वो ये है ज़रूरी बात कि जो ऑब्ज़र्व एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ठीक है ना uh, काइस के डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशली uh, इस टेस्ट में स्पेशली आपने जहन में रखना है किसी भी कैटेगरी या क्लास की जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है वो फाइव से लेस नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर किसी भी क्लास की फ्रिक्वेंसी फाइव से लेस हुई तो हम uh, क्या करेंगे उसको कंबाइन करेंगे किसी सात वाली क्लास के साथ ठीक है उसको हम कंपाइन करेंगे सात वाली क्लास के साथ ताकि वो कम अज़ कम फाइव बन जाए ठीक है उसको ऐड कर देंगे उसकी सात वाली क्लास में ताकि वो कम से कम फाइव हो जाए तभी हम जो है उसको काइसकेर टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ काइसकर के एक्जम्शंस में हम पढ़ चुके हैं कि काइसकर के लिए ज़रूरी है कि किसी भी सेल की फ्रिक्वेंसी जो है वो फ़ाइव से लेस नहीं होनी चाहिए सो so, ये एक नोट करने वाला पॉइंट है याद रखें अगर हमारी किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमने कम्प्यूट की और वो फ़ाइव से लेस आई तो हम उन क्लासेस की कैटेगरीज़ को अग, को कंबाइन कर देंगे अगर किसी एक क्लास में कंबाइन करने से वो फ़ाइव के इक्वल आ गई तो किसी एक क्लास में कंबाइन करेंगे अगर एक क्लास में कंबाइन करने के बावजूद वो फाइव से लेस रही तो फिर हम दो या तीन या जितनी भी क्लासेस में कंबाइन करने से उसका सम कम अज़ कम फाइव हो जाए तब तक हम उसको ऐड करते रहेंगे ठीक है जिसकी वजह से फिर क्या होगा जितनी हम क्लासेस ई आई की क्लासेस की ई आईज़ को कंबाइन करेंगे ठीक है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को उतनी ही क्लासेस की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को हमें ऐड करना होगा क्योंकि ओ आई माइनस ई आई हमें कम्प्यूट करना होता है ठीक है और फिर जब ये हम कंबाइन करेंगे तो जितनी क्लासेस को कंबाइन कर देंगे हम जितनी कैटेगरीज़ को कंबाइन कर देंगे वो क्लासेस या कैटेगरीज़ कंसीडर होंगी एज़ वन क्लास ठीक है यानी अगर हमारे पास पहले टोटल सेवन कैटेगरीज या क्लासेस थीं और उनमें से हमने लास्ट टू को क्या कर दिया कंबाइन कर दिया ठीक है तो लास्ट टू जो है वो एक बन गई ऊपर वाली फाइव प्लस वन अब टोटल कैटेगरीज हमारे पास सेवन की बजाय कितनी रह जाएंगी सिक्स रह जाएंगी तो के जो है हमारे पास वो सेवन की बजाय क्या यूज़ होगा सिक्स यूज़ होगा ठीक है उसके बाद जो है वो आपके पास अब टेस्टिंग प्रोसीजर आ जाएगा सो so... द प्रोसीजर फॉर अ गुडनेस ऑफ फिटनेसट इज एज फॉलोस नंबर वन क्या है फॉर्मुलेट द नल एंड एज नॉट द पापलेशन स्पेसीफाइड प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम लिखेंगे द पॉपुलेशन हैज़ पाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या पापोलेशन हैज़ पाईस डिस्ट्रीब्यूशन या पापुलेशनल डिस्ट्रब्यूशन एट्सट्रा और उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या बनेगा द पापोलेशन डेव द स्पेसीफाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम लिखते हैं कि जो पापुलेशन का डिस्ट्रब्यूशन है वो Uh, वो वो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है लेट से अगर हमने कहा है कि द पॉपुलेशन हैज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज नॉट में तो एज वन में क्या कहेंगे द पॉपुलेशन हैव द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड पर वही स्टेप था आपका लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस वाला ठीक है और यूजली जो है हमें पता है ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव वैल्यू यूज़ होती है लेकिन इसके अलावा जीरो पॉइंट जीरो वन या जीरो पॉइंट वन जीरो वैल्यूज़ भी टेन परसेंट फाइव परसेंट या वन परसेंट यूज़ हो सकती हैं अगर यवन नहीं होगी तो हम यूजली फाइव परसेंट एल्फ़ा यूज़ करेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक जैसे हम अभी बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप है हमारा काई इसकर किसके इक्वल है आई वेरीज फ्रॉम वन टू के ओ आई माइनस ई आई ओवर ई आई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होल स्केयर डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और फिर उनका सम लेना है हमने जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज हैं उनके लिए और जिसमें जो हमारे पास डिग्रीज़ ऑफ़ फ्रीडम है वो मैं दोबारा जो है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम किसके इक्वल है के माइनस वन माइनस एम जहाँ पर एम जो है नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स है और के जो है नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ है नंबर फ़ोर पे आपके पास क्या है नंबर फ़ोर पे आप ये फिफ्थ स्टेप भी कर सकते हैं ठीक है थीके? आप कंप्यूट करिए आप स्काई स्केर की वैल्यू ठीक है इस फार्मूले में के थ्रू आप लोग अपना कंप्यशन प्रोसीजर करें और फिफ्थ पे बनाएं क्रिटिकल रीजन डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन विच डिपेंड्स अपॉन एल्फा एंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और क्रिटिकल रीजन इसमें जो है वो हमेशा आपका सिंगल क्रिटिकल रीजन यूज़ होगा वही वाला कि के का केयर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का केयर एल्फा ठीक है इसमें हमेशा आपका क्रिटिकल रीजन क्या यूज़ होगा का केयर इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का काइसकेयर एल्फ़ा सही है और लास्ट पे जो है डिसाइड एज फॉर लोस रिजेक्ट एज नाट इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काइस्र एक्सीट द काइकेर एल्फा वैल्यू दॉप्रिय डिग्रज ऑफ फ्रीडम फ्राम द काइसर टेबल एक्सेप्ट एच नॉट अदरवाइज वही बात है अगर काइस्कियर की कंप्यूटेड वैल्यू ग्रेटर हुई काइस्यर की टेबलेटेड वैल्यू से तो हम रिजेक्ट कर देंगे एज नाट को बिल्कुल जिस तरह से हमने uh, अपने काइस्यर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में किया है कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है ठीक है सिर्फ जो चेंजिंग पॉइंट्स हैं वो होंगे आपके जहाँ पे चेंज आएगा ठीक है पिछले टेस्ट में और इस टेस्ट में काइस के और बाकियों में भी ज़्यादातर चेंज कहाँ पे आता है ई e आई को कंप्यूट करने में आता है जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो काइस्कर गुडनेस ऑफ़ फिट टेस्ट में ई e आई हमारे पास क्या आएगा हमने कैपिटल एन को टोटल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ प्रबीबिलिटीज़ के साथ किसी स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई आई बाकी फिर फर्दर वही प्रोसीजर रहता है ओ आई माइनस ई आई स्कीयर ओवर ई आई क्रिटिकल रीजन इसमें भी सेम है यानी कि काई स्केयर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू काइस्यर एल्फ़ा और इन टू डिग्रीज़ ऑफ़ फ्रीडम और इसमें जो चेंज है दूसरी बात वो ये है कि डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम किसके इक्वल हैं के माइनस वन माइनस नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स बाकी का सारा का सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे कि हम लोग पहले से कर आ रहे हैं तो नेक्स्ट जो है अब हम लोग इनकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे